ओके, तो यार इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज की रो के बारे में। आज हमें रो में क्या क्या देखने के लिए मिला और कौन से मैचेस हुए। बस यार वीडियो पर एम रखता हूँ 50 लाइक का, वीडियो पर 50 लाइक कंप्लीट करवा देना। और अभी हम बात करते हैं आज की रो के बारे में। रो की शुरुआत सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर के साथ होती है। ड्रू मैकइंटायर रिंग में आते हैं और वो हमें एक छोटा सा प्रोमो दिखाती है ब्रोक लेसनर वाला, जो उनका मैच ब्रोक लेसनर के साथ हुआ था। प्रोमो के खत्म होने के बाद फिर वो WWE का थैंकफुल करती है कि उन्होंने मुझे WWE चैंपियन बनाया। लेकिन वो फिर बात करते हैं लास्ट रो के बारे में कि मैंने लास्ट रो में भी एक मैच रेसल किया, वहां पर बिग शो ने मुझे चैलेंज किया, लेकिन मैंने वहां पर भी बिग शो को हरा दिया और मैंने अपना फिर से एक बार टाइटल रिटेन कर लिया। मतलब ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं कि मुझे काफी अच्छी फीलिंग आती है जब से मेरे पास ये WWE चैंपियनशिप है। इतना कहने के बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एंड्रादे का। एंड्रादे के साथ हमें जेलिना बैग्स भी देखने के लिए मिलती है। जेलिना बैग्स बोलते हैं कि हम यहाँ पर कोई इंटरप्शन करने नहीं आए, हम तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने आए कि जो तुमने ब्रोक लेसनर को हराया रेसलमेनिया में। लेकिन थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जेलिना बैग्स भी जहाँ पर बदल जाती है और वो ड्रू मैकइंटायर को कहती है कि एंड्रादे तुमसे ये वाला टाइटल लेना चाहता है और तुम्हारे साथ मैच रेसल करना चाहते हैं। तो जहाँ पर ड्रू मैकइंटायर मौका देते हैं एंड्रादे को और वो ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो फिर हमें इन दोनों ही सुपरस्टार के बीच एक एंड पर जाकर मैच देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद हमें एक मैच देखने के लिए मिला वुमेन्स की ओर से, जो था आस्का वर्सेस रूबी रायट के बीच। तो देखो ये मैच एक मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच था, जो भी इस मैच में जीतेगा उसके ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे मनी इन द बैंक में रेसल करने के। अगर मैं यहाँ पर इस मैच की बात करूँ कि मैच किस तरह का था, तो देखो यार मैच वैसे बढ़िया था, दोनों ही सुपरस्टार अच्छा रेसल कर रहे थे। अगर यहाँ पर मैं मैच के विनर की बात करूँ तो इस मैच में हमें विनर देखने के लिए मिलती है आस्का, जब वो टैप आउट करवा देती है रूबी रायोड से। तो उनके चांसेस बढ़ चुके अभी मनी इन द बैंक में जाने के। और इस मैच के खत्म होने के बाद हमें मेंस की ओर से एक मैच देखने के लिए मिला, जो था अलेस्टर ब्लैक वर्सेस लोकल कंपटीटर। तो देखो यहाँ पर मैच की बात करूँ, ये भी मैच को ज़्यादा लंबा खासा तो नहीं था, देखने ही वाला था। अगर यहाँ पर मैं मैच की बैनर की बात करूँ, इस मैच में हमें बैनर बनते हुए दिखाई देते हैं अलेस्टर ब्लैक, जब वो अपना फिनिशर मूव यूज कर देते हैं उस लोकल कंपिटिटर पर। इसके बाद हमें बैकी लिंच का एक छोटा सा प्रोमो देखने के लिए मिला। बैकी लिंच रिंग में आती है और वो रेसलमेनिया के बारे में बात करती है कि मेरे पास रेसलमेनिया में काफ़ी कम वक्त था कि मैं डिस्ट्रॉय करूँ शाइना बेजलर को, लेकिन मैंने ऐसा किया भी और मैंने अपना फिर से एक बार टाइटल रिटेन कर लिया शाइना बेजलर से। तो मतलब बैकी लिंच काफ़ी सारी रेसलमेनिया के बारे में बातें करती है और शाइना बेजलर के बारे में कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि ये मैच एक होने वाला है हार्ट वर्सेज स्किल्स मैच। बैकी लिंच बोलते कि मुझे नहीं पता कि मेरा अगला अपोनेंट कौन हो सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं अभी से रेडी हूँ। बस बैकी लिंच का सिर्फ एक ही मकसद था रो पर आने का, वो वार्न करना चाहती है मनी इन द बैंक के बिनर को। और बैकी लिंच ऐसा बोलती है कि अगर कोई सुपरस्टार ऐसा सोचता है कि इस वाले मनी इन द बैंक को मैं जीतूंगी और बैंक जीतने के बाद मैं बैकी लिंच के मैच में इस वाले मनी इन द बैंक को कैश इन करूंगी, और बैकी लिंच कहती है कि इस चीज़ के लिए मैं पहले तैयार हूँ, कोई भी सुपरस्टार है ओपोनेंट हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बार फिर से साबित कर दूंगी कि मैं ही हूँ WWE रॉ वुमेन चैंपियन। तो इसके बाद ये सारा ही प्रोमो वगैरह खत्म हो जाता है। और इस वाले प्रोमो के खत्म होने के बाद हमें एक और मैच देखने के लिए मिला, जो था वुमेन्स की ओर से शाइना बेजलर वर्सेस सारा लोगन के बीच। तो देखो ये मैच भी एक मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच था। तो अगर मैं यहाँ पर मैच की बात करूँ मैच किस तरह का था, तो देखो यार मैच थोड़ा सा खतरनाक था लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं था। जैसे ही शाइना बेजलर आती है मैच स्टार्ट होता है और वो अपने आते ही मूव्स परफॉर्म करने लग पड़ती है सारा लोगन पर। सारा लोगन को मतलब सारा लोगन को तो यहाँ पर मौका भी नहीं मिलता अपने मूव यूज करने का। शाइना बेजलर सारा लोगन की आर्म को इंजर्ड कर देती है, इंजर्ड के कारण सारा लोगन इस मैच में फाइट नहीं कर पाती और इस मैच में हमें विनर देखने के लिए मिलती है शाइना बेजलर। और अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जो था एंजल गार्जा वर्सेस अलेक्जेंडर के बीच। तो अगर यहाँ पर मैं मैच की बात करूँ, मैच मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा था नहीं था, ठीक ही ठाक मैच था। अगर यहाँ पर मैच के विनर की बात करूँ, इस मैच में विनर हमें बनते हुए दिखाई देती है एंजल गार्जा, जब वो अपना फिनिशर मूव यूज करते हैं अलेक्जेंडर पर। और देखो विनर बनने के बाद ऑस्टिन एंड हमें एंड्रादे भी WWE के रिंग में देखने के लिए मिलते हैं। मतलब तीनों ही सुपरस्टार इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो अटैक करने लग पड़ते हैं अलेक्जेंडर पर। तो यहाँ से ये सारा जो मैच वगैरह वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें एक और मैच देखने के लिए मिला, जो था नाया जैक्स वर्सेस कैरी सेन के बीच। अभी यार आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इस मैच में कौन सा बड़ा सुपरस्टार है और कौन सा छोटा। तो ये मैच भी एक मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच था। तो अगर मैं यहाँ पर मैच की बात करूँ, मैच यार कोई लंबा चौड़ा नहीं था, देखने ही वाला था। अगर यहाँ पर मैच के विनर की बात करूँ, इस मैच में हमें विनर देखने के लिए मिलती है नाया जैक्स। मतलब आज यार नाया जैक्स पटक पटक कर मार रही थी कैरी सेन को, तो यहाँ पर इस मैच में विनर हमें बनते हुए दिखाई देती है नाया जैक्स।
और इस वाले मैच के खत्म होने के बाद हमें एक शार्लेट फ्लेयर का एक छोटा सा प्रोमो देखने के लिए मिला। वहां पर उन्होंने अपना नेक्स्ट अपोनेंट रिवील किया कि मैं किस सुपरस्टार के साथ आगे रेसल करूंगी। तो सबसे पहले तो वो बात करती है रॉयल रंबल के बारे में कि क्वीन ने रॉयल रंबल को जीता और उसके बाद मैच हुआ रेहा रिपली के साथ और रेहा रिपली को भी हराया और मैं बन चुकी हूँ न्यू एनएक्सटी वुमेन चैंपियन। शार्लेट फ्लेयर बोलती है लोगों को कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं फिर से एक बार बैकी लिंच को बीट करूंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मतलब काफ़ी सारी बातें करती हैं रेसलमेनिया के बारे में और अपने बारे में। शार्लेट फ्लेयर बोलती है विंस मैकमैन को पता है कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं और शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर अपना अपोनेंट भी रिवील करती है कि कौन सा वो सुपरस्टार होगा जो मेरे साथ फाइट करेगा। तो यार ऐसा तो हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल सकता कि शार्लेट फ्लेयर मतलब फाइट करे किसी रो वूमेंस के साथ, क्योंकि उनके पास अभी एनएक्सटी का टाइटल है तो उनको एनएक्सटी के सुपरस्टार के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी। और शार्लेट फ्लेयर अपना अपोनेंट रिवील करती है और उनका नाम बताती है, वो एनएक्सटी की सुपरस्टार है तो उन सुपरस्टार का नाम है इयो शिराई। तो उनका अभी मैच होने वाला है शार्लेट फ्लेयर के साथ, वो हो सकता है मनी इन द बैंक में या किसी भी एनएक्सटी के पेपर व्यू में। तो जो इसके बाद ये सारा ही प्रोमो वगैरह खत्म हो जाता है और अभी बात करते हैं नेक्स्ट मैच की जो था बॉबी लैशली वर्सेस नोबे जोस। तो देखो अगर यहाँ पर मैं मैच की बात करूँ, मैच में ज़्यादा अपर हैंड इस मैच में बॉबी लैशली को ही मिल रहा था। वो जिस तरह से पटक पटक कर मार रहे थे नोबे जोस को। अगर यहाँ पर मैं मैच के विनर की बात करूँ, इस मैच में विनर हमें देखने के लिए मिलते हैं बॉबी लैशली जब वो अपना स्पेयर लगा देते हैं नोबे जोस को। और अभी हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल मैच की जो था ड्रू मैकइंटायर वर्सेस एंड्रादे के बीच। तो देखो एंड्रादे के साथ हमें जेलिना बेगेस एंड ऑस्टिन थ्योरी एंड एंजल गार्जा भी देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे मैच की शुरुआत होती है एंड्रादे अपना पूरा जोर लगाकर मतलब ड्रू मैकइंटायर के चेस्ट पर चॉप्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर को कोई भी असर नहीं होता। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर उनके चेस्ट पर चॉप्स लगाते हैं तो वहाँ पर यार देखने वाला हाल होता है एंड्रादे का। फिर हमें यार मतलब काफ़ी देर तक फाइट देखने के लिए मिलती है रिंग साइड से बाहर जाकर भी यहाँ पर काफ़ी देर तक जो फाइट होती है। और इस मैच में यार इंटरप्शन करने की कोशिश भी करती है जेलिना बेगेस, लेकिन इंटरप्शन कर भी देती है फिर भी यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर मैं मैच की विनर की बात करूँ तो देखो इस मैच में विनर बनते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकइंटायर जब वो अपना फिनिशर मूव लगा देते हैं एंड्रादे को और इस मैच में कवर करते हैं। मैच के जीतने के बाद थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस आते हैं और वो भी मतलब अटैक कर देती है ड्रू मैकइंटायर पर। वो काफ़ी सारे अपने कर्व स्टॉम्प्स लगाते हैं और एंड पर जाकर जहाँ पर ज़्यादा अपर हैंड मिलता है सेथ रॉलिंस को। तो इसका यहाँ पर यार यही हिसाब से मतलब हो सकता है अगला अपोनेंट हो सकता है सेथ रॉलिंस ड्रू मैकइंटायर का हमें मैच देखने के लिए मिल सकता है इन दोनों सुपरस्टार के बीच। बाकी यार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस तरह का लगा आज का रो। वैसे हमें ज़्यादा आज मैचेस ही देखने के लिए मिले, जैसा कि यार मैंने शुरुआत में बताया इस वीडियो में मैं रखता हूँ सिर्फ 50 लाइक का। वीडियो पर 50 लाइक कंप्लीट करवा देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।